डियर स्टूडेंट्स, आशियाई एजुकेशन हब बानसू की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा संसद के कार्य, जो संसद का कार्य है कह सकते हैं हम उसको, और शक्तियां भी कह सकते हैं। चाहे संसद के कार्य पूछे चाहे संसद की शक्तियां पूछे, समान है, यानी कि कार्यों को ही शक्ति कहते हैं और शक्तियों को ही कार्य कहते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने विधायी शक्ति तक पढ़ा था, आज हम पढ़ेंगे संसद का नेक्स्ट जो कार्य है, संसद की जो अगली शक्तियां हैं वो है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। संविधान में संशोधन, संशोधन का अर्थ होता है सुधार करना। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे संविधान को बनाए हुए कई काफी साल गुजर चुके हैं, बीत चुके हैं, उनमें कुछ कानून ऐसे हैं जिनमें संशोधन की आवश्यकता है, सुधार की आवश्यकता महसूस होती है। ऐसी स्थिति में संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? संविधान में, याद रखना, संविधान में केवल और केवल संसद ही संशोधन कर सकती है। कोई नया कानून जोड़ना हो, किसी कानून में सुधार करना हो, संशोधन करना हो, या किसी कानून को निरस्त करना हो, ये सभी कार्य संसद को दिए गए हैं, न कि किसी राज्य की विधानमंडल को। राज्यों की जो सरकारें होती हैं, राज्यों के अंदर जो विधानमंडल होते हैं, वो ये कार्य नहीं कर सकते। इस कार्य को करने के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है वो दी गई है संसद को। तो संसद का कार्य होता है संविधान में संशोधन करने की शक्ति। अभी तक, यानी वर्तमान तक, हमारे भारतीय संविधान के अंदर कई संविधान संशोधन हो चुके हैं, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। उदाहरण यह है कि भारत के अंदर 1989 से पहले, 1989 से पहले 21 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति को मताधिकार प्राप्त था, यानी कि 1989 से पहले भारत के अंदर जो व्यक्ति, व्यक्ति का मतलब चाहे महिला हो चाहे पुरुष, दोनों को मताधिकार का अधिकार है। 21 वर्ष आयु प्राप्त व्यक्ति को ही मताधिकार प्राप्त था, या ये कहें कि 1989 से पूर्व भारत के अंदर वयस्क किसको समझा जाता था? 21 वर्ष आयु जिसने प्राप्त कर ली। लेकिन बाद में संविधान में संशोधन किया गया, 61वां संविधान संशोधन 1989। तो संविधान संशोधन कौन करता है? संविधान संशोधन करता है संसद, यानी कि 61वां संविधान संशोधन किया गया, और 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदाता की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई। कितने वर्ष? 18 वर्ष। तो ये क्या हो गया? ये हो गया संविधान में संशोधन। कौन सा संशोधन है ये? 61वां। कौन करता है संशोधन? संसद करती है। अब संशोधन किस तरह से होता है? प्रस्ताव लाया जाता है संसद के अंदर। अब संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वो लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। जिस भी किसी सदन में पहले प्रस्ताव लाया गया है, अगर वो सदन, मान लीजिए राज्यसभा के अंदर पहले वो प्रस्ताव लाया गया, राज्यसभा ने उसको 2/3 बहुमत से पास कर दिया, 2/3 बहुमत से पास करने के बाद वो विधेयक जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा में भी उसके ऊपर मतदान होगा। अगर 2/3 बहुमत प्राप्त कर लेता है वो विधेयक, तो वो विधेयक संसद से पास समझा जाता है, उसके बाद में राष्ट्रपति के पास जाता है विधेयक, और विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करते ही वो विधेयक कानून का रूप धारण कर लेता है, यानी वो कानून बन जाता है।
इस तरह से ये कानून बना। कानून तो पहले ही बना हुआ था 21 वर्ष, लेकिन क्या किया गया इसमें, संशोधन किया गया, और संशोधन यानी सुधार किया गया। और अब मतदाता की आयु 1989 के बाद कितनी निर्धारित की गई है, 18 वर्ष। तो आप ही देखते होंगे कि जो भारत के अंदर चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, जिसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो जाती है, कंप्लीट हो जाती है, उसको मताधिकार का अधिकार दिया गया है, उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज होता है और वो वोट डालने का अधिकार रखता है। तीसरी जो शक्ति है वो है विधायी शक्ति। डियर स्टूडेंट्स, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते, जनता के प्रतिनिधि होने के नाते भारतीय संसद के राष्ट्रीय वित्त पर पूर्ण अधिकार प्राप्त है, यानी कि भारत का जो धन है, भारत की जो संपत्ति है, उसके ऊपर संसद का नियंत्रण है। और संसद का नियंत्रण होने के कारण प्रतिवर्ष भारत का जो वित्त मंत्री है, भारत का जो वित्त मंत्री वर्तमान में निर्मला सीतारमण भारत की फाइनेंस मिनिस्टर है, वित्त मंत्री है, वित्त मंत्री प्रस्तावित बजट, बजट क्या होता है, आय और व्यय का लेखा जोखा बजट कहलाता है। बजट, ये बजट शब्द, इस बजट शब्द का विश्व में सबसे पहले प्रयोग किया गया था इंग्लैंड के अंदर। संसार के अंदर एक वर्ष का आय और व्यय का लेखा जोखा, जिसको आज हम बजट कहते हैं, वो सबसे पहले इंग्लैंड में या इंग्लैंड की पार्लियामेंट में पेश किया गया था, प्रस्तुत किया गया था, या उसमें वहां के वित्त मंत्री द्वारा रखा गया था। ऐसा ही हमारे या भारत में भी होता है। भारत में प्रतिवर्ष वित्त मंत्री बजट पारित करता है फरवरी या मार्च के लगभग। तो हम बात कर रहे थे बजट की, तो बजट का अर्थ होता है चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। अब इंग्लैंड का जो वित्त मंत्री है, जिसने पहली बार अपनी संसद के अंदर बजट पेश किया, तो जो एक वर्ष का आय और व्यय का लेखा के जो कागजात थे, उनको उसने चमड़े के बैग में रख करके और संसद में गया, वो इसीलिए इसको आज हम बजट कहते हैं। और भारत के अंदर ये बजट कौन प्रस्तुत करता है, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री द्वारा प्रतिवर्ष संसद में बजट प्रस्तुत किया जाता है। और जब वित्त मंत्री संसद में बजट प्रस्तुत करता है तो लोकसभा से अनुमोदित होता है वो, यानी कि लोकसभा उसको पास करती है और उसके बाद में राज्यसभा। लेकिन वित्त के ऊपर सर्वाधिक शक्तियां लोकसभा को दी गई हैं। अगला जो है, नेक्स्ट संसद की जो शक्ति है वो है प्रशासनिक, प्रशासनिक शक्तियां। हमें इनको याद भी करना है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर 5 या 6 नंबर का पूछा जाता है। प्रश्न क्या आता है, संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। जब आप संसद के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करेंगे तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं कि संसद का जो पहली जो शक्ति, पहला जो कार्य होता है वो है विधायी शक्ति, दूसरा है संविधान में संशोधन करने की शक्ति, तीसरी है वित्तीय शक्ति, और चौथी है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति के तहत भारतीय संविधान के द्वारा संसदात्मक शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका का मतलब हो गया भारत देश की जो कार्यपालिका है, अर्थात मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल में कौन कौन आ गया, प्रधानमंत्री आ गया और पूरा मंत्री परिषद, यानी सभी प्रकार के मंत्री। मंत्रियों के 3 स्तर होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री, ये सभी मिलाकर के मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल कहलाता है। वो संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, यानी कि प्रधानमंत्री
मन उसका पूरा मंत्रिमंडल, पूरा का मतलब सभी प्रकार के मंत्री लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, अर्थात वो मंत्रिमंडल में तब तक ही रहेंगे तब तक उनको लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो, यानी उस दल को, यानी प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा में जब तक बहुमत हासिल है तब तक ही वो मंत्री पद पर रह सकते हैं, और जिस दिन सरकार अल्पमत में आ जाती है तो उसको पद से हटना पड़ता है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक कि उसे लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। संसद अनेक प्रकार के कार्य, अनेक प्रकार से कार्यपालिका पर नियंत्रण करती है। सरकार के तीन अंग हमने पढ़े, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये एक दूसरे पर कंट्रोल रखते हैं। कार्यपालिका है वो न्यायपालिका पर और व्यवस्थापिका पर कंट्रोल करती है, व्यवस्थापिका न्यायपालिका पर और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, और जो न्यायपालिका है वो दोनों के ऊपर, व्यवस्थापिका पर और कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है, कंट्रोल रखती है। पांचवी जो शक्ति है वो है निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति, निर्वाचन संबंधी शक्ति किसकी? संसद की। देखिए विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं संसद की शक्तियां, तो पांचवा जो पावर है संसद का, पार्लियामेंट का, पांचवा जो कार्य है, शक्ति है, वो है निर्वाचन। निर्वाचन का अर्थ होता है चुनाव, तो चुनाव से संबंधित भी कुछ शक्तियां हैं, यानी कि भारत की जो संसद है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, इन दोनों का निर्वाचन करती है, चुनाव करती है। किस तरह से होता है ये चुनाव? दोनों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत की जनता नहीं करती, बल्कि जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा इनका निर्वाचन किया जाता है, इनका चुनाव किया जाता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य नहीं, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट नहीं डालते हैं, अर्थात भाग नहीं लेते हैं, केवल और केवल निर्वाचित सदस्य। तो हम पढ़े राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश केवल वो ही जहां पर विधानसभा हो, जैसा कि हम दिल्ली के बारे में पढ़ते हैं, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, परंतु केंद्र शासित प्रदेश होने के नाते उसके अंदर विधानसभा का गठन किया गया है, तो वहां के सदस्य यानी कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। तो ये तो हो गया राष्ट्रपति का चुनाव, जिसमें कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तथा सभी राज्यों और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा का गठन किया गया है वहां के निर्वाचित सदस्य, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का चुनाव है वो संसद के द्वारा ही किया जाता है, यानी कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के, दोनों सदन का मतलब हो गया लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इस तरह से राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। आगे की जो है वो है विविध शक्तियां, लास्ट और अंतिम जो शक्ति है वो है विविध शक्तियां। विविध शक्तियों के अंदर, विविध शक्तियों में आ गया कि राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया भी संसद में ही होती है। संसद
राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। कब? जब राष्ट्रपति ने या राष्ट्रपति के खिलाफ कदाचार या भ्रष्टाचार इससे संबंधित अगर कोई मामले हो तो संसद, संसद का मतलब लोकसभा और राज्यसभा, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटा सकते हैं। यानी कि जब राष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो संसद के द्वारा राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना से अवगत करा दिया जाता है और उसके बाद में संसद के किसी भी सदन में अविश्वास लाया जाता है या महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को और उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना पड़ता है। इसके अलावा संसद के जो सदस्य होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ भी महाभियोग लगा सकते हैं, और भी कई हैं। और जो अंतिम है वो है राष्ट्रपति द्वारा घोषित संकट काल की घोषणा के प्रभावता के लिए घोषणा के 1 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों में अनुमोदन आवश्यक है। यानी कि संकट काल जब इमरजेंसी लगती है। प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ, राष्ट्रपति के पास 2 प्रकार की शक्तियाँ होती हैं, सामान्यकालीन शक्ति और आपातकालीन शक्ति। आपातकाल का अर्थ होता है इमरजेंसी। आपातकाल की जो शक्ति है वो केवल और केवल राष्ट्रपति को दी गई है। राष्ट्रपति ही भारत के अंदर आपातकाल की घोषणा करता है। जब वो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर देता है उसके 1 महीने के अंदर अंदर संसद के द्वारा उस आपातकाल को अनुमोदित किया जाता है। इस तरह से अभी हमने पढ़ा कि संसद की शक्तियाँ। प्यारे विद्यार्थियों, जब ये क्वेश्चन आए तो आप सबको ये बातें लिखनी है, ये पॉइंट्स लिखने हैं और उनकी व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है कि विधायी शक्ति होती है एक, दूसरी है संविधान में संशोधन करने की शक्ति, तीसरी होती है वित्तीय शक्ति, चौथी होती है प्रशासनिक शक्ति और पांचवी होती है निर्वाचन संबंधी शक्ति और अंतिम होती है विविध शक्तियां। तब तक के लिए नमस्कार, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे।